सभी भाइयों को नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं, जो वीडियो पीछे हम अपने डेयरी फार्म से जो रूटीन के वीडियो डाल रहे हैं कि किस टाइम क्या होता है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि पशुओं के लिए मैट जरूरी है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे पशुओं के नीचे मैट की। तो मैट हमारे हिसाब से जो पशुधन अच्छा पशु रखते हैं उनके लिए मैट मैं कहूँगा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब पशु बैठता है, एक बात करें थोड़ी लंबे थनों वाली अगर कोई इस तरह की भैंस है और बैठते उठते उसके जो थन है वो पैर के नीचे दब सकते हैं, तो मैट वगैरह पे इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। और सर्दियों में हो, सर्दियों में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। और पहले जो सिस्टम होता था तूड़ा वगैरह नीचे डालने का, या जो सरसों का तूड़ा होता था वो डाला जाता था, तो वो आजकल बहुत महंगा है। मैट का पैसा मैं कहूँगा एक बार लगाना पड़ता है, रोज रोज नहीं लगाना पड़ता। वैसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कच्ची जगह मेंटेन कर सकते हैं जहाँ बालू मिट्टी डाली जा सकती है नीचे सरफेस पे, अगर वो जगह मेंटेन कर सकते हैं तो उससे बढ़िया मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कच्ची जगह बालू मिट्टी आप मेंटेन अपने फार्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो गिल्ली मिट्टी रोज निकालनी पड़ती है, गोबर वगैरह है वो मिट्टी में मिलने के बाद ज़्यादा वो उसकी क्वांटिटी हो जाती है, तो वो उठाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार हमने देखा है जहाँ लेबर का काम है वहाँ तो कच्ची जो जगह है बालू मिट्टी है वो मेंटेन होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जहाँ मालिक खुद एक दो पशुधन रखते हैं वहाँ कच्ची मिट्टी जो है यूज हो जाती है। तो मैट के बहुत सारे फायदे हैं, पशु कंफर्टेबल रहता है, आराम से रहता है। जो कीमत मैट की लगती है वो कीमत लगभग मैं कहूँगा 6 महीने में 4 महीने में बैस उतना ही दूध ज़्यादा दे के मैट की कीमत एक किस्म से ये कह सकते हैं पूरी कर देती है। मैट लेते समय क्वालिटी का आप बहुत जरूर ध्यान रखें कि क्वालिटी मैट की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है जब गर्मियों में रबड़ की जो क्वालिटी है वो अच्छी अगर ना हो तो पशुओं के शरीर पे, जैसे आदमी जब पानी वगैरह गर्म पानी वगैरह डालने के बाद जल सा जाता है, फफोले से निकल जाते हैं शरीर के ऊपर, तो वैसे पशुओं के शरीर के ऊपर निकल जाते हैं। तो मैट की क्वालिटी बहुत ही जरूरी है, अच्छी क्वालिटी का मैट होना चाहिए तभी जो है वो बढ़िया रहेगा पशुओं के लिए। मार्केट में बहुत सारे मैट मिलते हैं अच्छे, और माड़े भी सारी तरह के मिलते हैं अच्छे और घटिया भी, तो आप सोच समझ के ये लें। तो मैट बहुत ज़रूरी है, मस्टाइटिस से रोकथाम हो सकती है, सरफेस की सफाई जल्दी हो सकती है, और पशु उसके ऊपर कंफर्टेबल रहेगा। बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो कहूँगा मैट बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मैं बताना चाहूँगा हमारे फार्म पे भी मैट उपलब्ध होते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक हमारा भेजने का कोई सिस्टम नहीं होता है। और ये जो मैट पिछले 10 सालों से हम अपने जो यहाँ लोकल भाई हैं उन्हीं को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर टाइम मिल भी जाते हैं लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से मैंने कभी मैट का अपने यहाँ के, हमारे यहाँ भी उपलब्ध रहते हैं वो, उसका प्रमोशन नहीं किया है, ना ही कोई फ़ोन करे मैट लेने के लिए। जिस भाई को हमारे यहाँ से भैंस वगैरह जाती हैं तो उनके साथ एक एक दो दो पाँच पाँच दस दस जाते रहते हैं। क्वालिटी की बात करें तो जितने भी अपने एरिया में अच्छे से अच्छे ब्रीडर हैं उनके यहाँ पे जो मैट है वो अपने ही लगे हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अपने पास होते हैं। तो बात कर रहे थे अच्छी क्वालिटी का मैट ही आप खरीदिए जहाँ से भी खरीदें। कैसी लगी वीडियो मैट के बारे में, आगे किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं पशुपालन से संबंधित, वो कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो वो भी मैं कहूँगा आपके लिए ज़रूर हम लेके आएंगे उस तरह का वीडियो। जो भी भाई वीडियो में बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।